Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2021 की इटालियन फिल्म द लास्ट पैराडिसो के बारे में, जो 1950s के दौर की इटली की है। चीचियो पैराडिसो एक शादीशुदा किसान है जिसका बियांका नाम की लड़की के साथ अफेयर है। बियांका की बहन उसे समझाती रहती है कि चीचियो से प्यार करना उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि चीचियो की बीवी और बच्चे हैं और उनके अफेयर के बारे में सारा गांव जानता है। पर बियांका उसकी बात नहीं सुनती। वो कंपा नाम के एक खेतों के मालिक की बेटी है, जो एक निर्दयी आदमी है और हर कोई जानता है कि वो दूसरी लड़कियों पर नजर डालता है और उनका फायदा उठाता है। गांव वालों के साथ साथ चीचियो की पत्नी लूशिया भी उसके अफेयर के बारे में जानती है, पर इस बारे में वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि चीचियो अपनी माँ की बात भी नहीं सुनता, जो उसे हर वक्त अपने परिवार के साथ रहने के लिए समझाती है। एक तरफ चीचियो ने अपनी जिंदगी के एक पहलू में वो एक अफेयर रखा था, तो दूसरे पहलू में वो एक ऐसा आदमी है जो गांव वालों को उनका हक दिलाना चाहता है और उनके लिए इंसाफ पाने की लड़ाई लड़ रहा है। वो उस गांव की गरीबी मिटाना चाहता है और जानता है कि शहर से डॉन लुइगी नाम का एक आदमी आकर किसानों से ऑलिव्स बहुत कम दामों में खरीद रहा है। इसलिए एक दिन उसने फैसला किया कि वो खुद सही दाम देकर ऑलिव्स खरीदेगा और उन गांव वालों को उनका हक देगा। गांव वालों की नजरों में उसके लिए इज्जत थी, पर उसके पिता बिना किसी परेशानी की जिंदगी जीना चाहते थे और चीचियो की इस लड़ाई से उन्हें तकलीफ थी। जो सुकून चीचियो अपनी जिंदगी में चाहता है वो सिर्फ उसे बियांका के साथ मिलता है, इसलिए वो उसके साथ इस गांव से दूर जाकर एक नई दुनिया बसाना चाहता है। पर बियांका से प्यार करना उसके लिए आग से खेलने के बराबर है, क्योंकि बियांका का पिता कंपा एक राक्षस है जिसे चीचियो के आंदोलन के बारे में बताया गया है। और एक रात उसने चीचियो को मिलने बुलाया। उसे लग रहा था कि उसने बियांका के बारे में बात करने उसे वहाँ बुलाया है, पर ऐसा नहीं था। जब वो उससे बात करने उसके घर गया तो वहाँ बियांका मौजूद थी, पर उन्होंने उसे अपने रिश्ते के बारे में पता चलने नहीं दिया। कंपा ने चीचियो को अपने आंदोलन को रोकने के लिए मनाने की कोशिश की, पर चीचियो अपनी बात पर अड़ा रहा और उसने कहा कि हल किसान चलाते हैं और दाम भी वही तय करेंगे। कंपा को समझ आया कि चीचियो अपने पिता की तरह ढीठ है और इसलिए उसके फैसलों को बदलना नामुमकिन है। उस रात दो किसानों ने उस आदमी डॉन लुइगी को पीटा जो शहर से आकर उनसे ऑलिव खरीदता है, पर चीचियो इस बात से अनजान था। वो अपने दोस्त विंचेंजो और परिवार के साथ मिलकर अपनी खेती पर ध्यान दे रहा था। एक रात वो बियांका से मिलने गया और उसने पूरी रात उसके खलिहान में गुजारी। जब ये बात बियांका ने अपनी बहन मारिया को अगले दिन बताई तो मारिया को समझ आया कि शायद चीचियो अब भी वही है, और वो उसे वहाँ से निकालने खलिहान में गई। किसी तरह अपने भाई कॉसिमो की नजरों से उसने उसे बचाकर वहाँ से निकाल दिया। पर जब वहाँ से निकलकर चीचियो चर्च गया तो उसे लूशिया ने बताया कि पिछली रात उनका बेटा रोको घर से भाग गया था और पूरी रात गांव भर में चीचियो को ढूंढ रहा था। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हर दूसरी रात चीचियो घर से गायब रहता है। ये बात जानकर भी चीचियो को अपनी गलती कोई गलती नहीं लग रही थी। उसका कहना था कि वो लूशिया से प्यार तो करता है, पर वो जिंदगी से कुछ और चाहता है और लूशिया कुछ और। अगले दिन वो बियांका से मिलने गया और उसने उससे कहा कि वो उसे लेकर यहाँ से दूर अपने भाई एंटोनियो के पास जाने वाला है, जहाँ वो दोनों साथ खुश रह सकते हैं। पर उसके लिए ऐसा कहना जितना आसान था उतना ही इसे पूरा करना मुश्किल था, क्योंकि बियांका के भाई कॉसिमो ने बियांका और चीचियो को साथ देख लिया था और ये बात उसने कंपा को बता दी। जब बियांका घर वापस आई तो कंपा ने उसे गालियां देनी शुरू कर दी। चीचियो ने कंपा को सच बताने के लिए एक चिट्ठी लिखी थी, जिसे देने की हिम्मत उसे एक हफ्ते बाद ही मिली। पर जब वो उस चिट्ठी में लिखी बातें कंपा को बताने गया तो चीचियो को जमीन दिखाने के बहाने कंपा ने उसे बेरहमी से मार दिया और उसकी लाश को गांव के बीचों बीच उसी के घोड़े पर भेज दिया। चीचियो का परिवार और बियांका चीचियो की मौत को सह नहीं पाए। और उसके मौत की खबर उसके भाई एंटोनियो तक पहुंचाई गई। जैसे ही एंटोनियो को यह खबर मिली, उसने शहर छोड़कर वापस गांव आने का फैसला किया और दूसरी ओर गांव में किसानों को एक एक कर गिरफ्तार किया जाने लगा और उन पर चीचियो की मौत का इल्जाम डाला गया, क्योंकि अब उन किसानों की रक्षा करने वाला कोई नहीं था। चीचियो की मौत से उसका परिवार बुरी तरह डर गया था और वो सब एंटोनियो के साथ यहाँ से निकलकर शहर जाना चाहते थे, पर एंटोनियो ऐसा नहीं कर सकता था। फ्यूनरल के दौरान लूशिया ने मर्दों से कहा कि वो चीचियो की अर्थी उठाना चाहती है और वो सारी औरतें उसे लेकर कब्रिस्तान की ओर गई।
और तब बियांका ने आखिरी बार चीचियो को देखा। पुलिस चीचियो के केस को रफा दफा करना चाहती थी और एंटोनियो इस बात से खुश नहीं था। जब पुलिस स्टेशन से वो बाहर आया तो विंचेंसो से उसे पता चला कि चीचियो का कई औरतों के साथ अफेयर था, पर बियांका उसके लिए अलग थी और उसके आने के बाद ही चीचियो अपना होश खो बैठा। जब इस बारे में एंटोनियो ने अपने पिता से बात की तो उन्होंने कहा कि चीचियो दूसरों को उम्मीद देता था और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जिनके पास कुछ नहीं होता उन्हें उम्मीद देना उनके लिए बुरा साबित हो सकता है, क्योंकि शैतानों को खत्म करने के लिए खुद शैतान बनना पड़ता है और चीचियो एक शैतान नहीं था, इसीलिए उसे मार दिया गया। अब जब एंटोनियो को अपने भाई की मौत का सारा सच पता चल गया था तो वो कंपा से मिलने गया और उसने उससे कहा कि कंपा का ये सोचना कि वो ताकतवर है उसकी गलत फहमी है और असली ताकत उन लोगों के हाथ में है जिन्हें वो सालों से गरीबी में दबाकर रख रहा है, और चाहे उसका भाई मर गया हो पर आज़ादी की सोच कभी नहीं मरती। एंटोनियो को वापस अपने घर जाना पड़ रहा था और सबसे अलविदा कहकर वो उस रात बस में बैठा, पर बस में अचानक उसे चीचियो दिखा और एंटोनियो को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। अगली सुबह गांव में किसी ने कंपा और कोसिमो दोनों को बेरहमी से मार दिया और उनके खून में लथपथ कपड़ों को गांव के बीचों बीच वही डाल दिया गया जहां चीचियो की लाश रखी गई थी। मगर गांव में कोई ये नहीं जानता था कि वो खून किसने किए हैं। सबको यही लग रहा था कि ये काम किसानों ने किया है। बियांका और मारिया को गांव के लोग कोई भी सामान देने से इनकार कर रहे थे और उनके हालात बद से बदतर होने लगे थे। एक तरह से उन दोनों बहनों को गांव से निकाल बाहर कर दिया गया, क्योंकि उनके पिता ने किसानों को तकलीफ दी थी और जिंदा रहने के लिए उन्हें डॉन लुइगी से मदद मांगनी पड़ी। उसने बियांका से वादा किया कि वो उन दोनों बहनों की मदद करने के लिए अपने कुछ लोग भेजेगा जो उनकी जमीन पर खेती करेंगे और इससे वो पैसे कमा पाएंगे। पर बियांका को जैसा लग रहा था वो आदमी वैसा नहीं है और वो अपनी मदद के बदले बियांका का फायदा उठाना चाहता था। सही वक्त पर बियांका ने अपने आप को उस आदमी से बचा लिया और वहाँ से भाग गई। दूसरी ओर एंटोनियो का ध्यान अपने काम से हटने लगा था और उसकी एक गलती से उसके वर्कर को चोट लग गई थी। एक तरफ जहाँ बियांका अब भी चीचियो की मौत से उभर नहीं पाई थी तो दूसरी ओर एंटोनियो की गर्लफ्रेंड ने उसके साथ रहने की तैयारियां शुरू कर दी थी। एंटोनियो अपने भाई की मौत के बाद पूरी तरह बदल चुका था और उसके पास सब कुछ होने के बावजूद वो खुश नहीं था, और ये बात उसकी गर्लफ्रेंड के पिता भी समझ गए थे और चाहते थे कि वो कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले ले, पर एंटोनियो ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसने बियांका के लिए एक चिट्ठी लिखी पर बियांका ने वो चिट्ठी पढ़ी नहीं। उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए भी एक चिट्ठी लिखी जिसे पढ़ते ही वो रोने लगी, क्योंकि उस चिट्ठी में एंटोनियो ने लिखा था कि वो उसे और उस शहर को छोड़कर हमेशा के लिए अपने गांव जा रहा है। गांव पहुंचते ही अपने घर जाने के बाद एंटोनियो बियांका से मिलने गया, पर बियांका के घर उसे बियांका के माँ की तस्वीर मिली और जब मारिया बियांका को बुलाने गई तो वो बिना कुछ कहे वहाँ से वापस चला गया। सालों पहले एंटोनियो की माँ को उसके पिता के वॉलेट में वही तस्वीर मिली थी जो बियांका की माँ की थी। जब यही बात उसने अपने पिता से कही तो उन्होंने बताया कि बियांका की बहन मारिया असल में उनकी बेटी है। बियांका के जन्म के बाद कंपा हर रोज अपनी पत्नी को पीटने लगा क्योंकि उसे एक लड़का चाहिए था, और रोज रोज कंपा की मार से परेशान होकर वो उनके घर आ जाया करती थी, जिसके बाद ही ये सब कुछ हुआ। पर आज तक वो मारिया से नजरें नहीं मिला पाए हैं। बियांका ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर एंटोनियो की चिट्ठी पढ़ी जिसमें उसने लिखा था कि वो उससे जरूरी बात करना चाहता है, और जब वो उससे बात करने गई तो उसे एंटोनियो नहीं चीचियो दिखाई दिया, और तब बियांका को पता चला कि एंटोनियो के शरीर में चीचियो का एक हिस्सा है। एंटोनियो और चीचियो जुड़वा जरूर है पर हमेशा से एक दूसरे से अलग थे। चीचियो दूसरों की तकलीफें मिटाना चाहता था और एंटोनियो तकलीफों से दूर जाना चाहता था, इसलिए उसने अपना घर छोड़कर शहर में रहने का फैसला किया था। पर अपने भाई की मौत के बाद एंटोनियो के अंदर चीचियो जिंदा हुआ और उसने अपने भाई की मौत का बदला लिया, साथ ही गाँव वालों और बियांका की तकलीफों को खत्म करने का भी फैसला लिया। इसलिए एंटोनियो के अंदर अब हर किसी को चीचियो की परछाई दिखने लगी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कॉमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।